नमस्कार, रीनास फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में टोफू की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो पनीर का अल्टरनेटिव है। टोफू को सोयाबीन से बनाते हैं। जो पनीर खाना नहीं चाहते हैं वो टोफू से बना सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है और इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है जब इस प्रोसेस से बनाते हैं तब। और जो भी रेसिपी पनीर के साथ बनाते हैं उसको आप टोफू के साथ बना सकते हैं। आइए देखें चिली टोफू कैसे बनाते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है सोया पनीर। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैसे यूज करना है, कौन सी रेसिपी है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी दिए हुए हैं। ये वैक्यूम पैक्ड है। अब इसे कट कर लेंगे। आप इसकी कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। और इस सोया पनीर को अच्छी तरह से पानी से एक बार धो लेंगे और इसे कट कर लेंगे। शेप एंड साइज ऑप्शनल है। देखिए, इस पैकेट से ऐसा वाला ब्लॉक निकला है। इसे अच्छी तरह से एक बार धो ले और इसे कट कर ले। मैंने ट्रायंगल शेप दिया है। इसे किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लगभग 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, स्वाद अनुसार ब्लैक पेपर पाउडर, 1.5 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच विनेगर, 6-7 लहसुन को क्रश करके डालें, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर जिसे सोट कहते हैं, स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छी तरह से मिला लें जिससे टोफू पनीर पे कोटिंग हो जाएगी। 8 से 10 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करने के लिए रखें, जैसे हम चिली पनीर बनाते हैं उसी तरह से बनाएं। एक पैन ले लें, उसमें 1.5 से 2 चम्मच तेल, उसे फैला लें। अब मैरिनेटेड टोफू इस पे डाल दें एक एक करके और लो फ्लेम पे इसे अलट पलट करके सेके। उसी बाउल में फिर से 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, लगभग 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच विनेगर, 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, स्वाद अनुसार काश्मीरी लाल मिर्च। आप इस वक्त अदरक और लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक घोल बन के तैयार हो जाता है। इसे बाद में रेसिपी में यूज़ करेंगे। टोफू अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, इसे निकाल लें। अब उसी पैन में 1 चम्मच तेल डालें, स्वाद अनुसार लंबा कटा मिर्च, डाइस कट किए हुए प्याज। आप इसके लेयर्स को अलग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ हीट के बाद ये अलग हो जाता है, इसलिए अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डाइस कट किए हुए शिमला मिर्च, यदि आपके पास रेड येलो बेल पेपर हो तो डाल सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए इसे स्टर फ्राई करें। उसकी जगह पे मैंने डीसीडेड टमाटर लिया है डाइस कट किए हुए। स्वाद अनुसार नमक और ब्लैक पेपर डाल दें, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए स्टर फ्राई करें। फिर आप इसमें रोस्टेड सोया पनीर डाल या फिर पनीर डाल सकते हैं। और जो सॉस बना के रखा था उसको डाल दें। 2 मिनट के लिए इसे पकाएं हाई फ्लेम पर। जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए उतना पानी डाल दें और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएं। और जायका बढ़ाने के लिए इसमें 1 चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन डालें। लहसुन को हमेशा बाद में डालें और 1 मिनट के लिए इसे भूनें, जिससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। इस रेसिपी में सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनते हैं, जिससे प्याज और शिमला मिर्च का क्रंची होना चाहिए, दैट मीन्स इसका बाइट होना चाहिए। आप इसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं या फिर फ्राइड राइस के साथ खाएं। इसे रोटी और पराठे के साथ भी खाया जा सकता है। सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लें। रियली टोफू का टेस्ट काफ़ी बढ़ गया है। मैंने हरी मिर्च से गार्निश किया है। आप रोस्टेड तिल या फिर स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।